हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसमें जो पूरी पॉपुलेशन है आधी डिवाइड हो चुकी है। उस टॉपिक का नाम है, क्या भगवान का अस्तित्व है? यदि वो है तो कहाँ है? इन अदर वर्ड्स, डज गॉड एग्जिस्ट? इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ इस टॉपिक पे, आपको मैं भगवान के, या यूँ कहे मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी के कुछ क्वालिटीज़ बताऊँगा, जो है फॉरगिवनेस, या बड़ा दिल रख के भी माफ़ करना, कोई भी लालच नहीं रहना, निस्वार्थ होके किसी की भी मदद करना, या कंपैशनेट, या यूँ कहे दया, दया रखना। तो मैं कहूँगा जहाँ पर भी ये क्वालिटीज़ जहाँ कहीं भी होंगे, वहाँ भगवान का अस्तित्व है। कैसे? अभी मैं एग्जांपल लूँगा। यही कुछ 3 या 4, मुझे इतना ठीक से याद नहीं है, या 4 या 5 साल कहूँ, जब मुंबई में भयानक मॉनसून आया था, जब मुंबई की नगरी, जो कभी सोता नहीं, ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे आया था, तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, अपने लोगों को वो ढूंढ रहे थे। जब उन्हीं में से कई लोग अपने अपने घर के दरवाज़े खोल दिए थे, और जो अनजान है उनके लिए उन्होंने अपनी सहायता या मदद जो है उन्होंने खोल दी थी, तो ये जो निस्वार्थ भाव है, या जो मदद करने के लिए जो निस्वार्थ भाव है, यही भावना में भगवान है। एक और एग्जांपल मैं दूंगा। अभी मेरा बहुत करीबी दोस्त है जिसका नाम है संकेत। अभी कुछ दिनों पहले उसके दोस्त, या यूँ कहूँ करीबी दोस्त, उसकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई थी। उसके ऊपर काम का इतना प्रेशर था, लेकिन फिर भी उसने उसे टाल के वो वहाँ गया, और जिसकी डेथ हुई उसके घर वालों के लिए उसने काफ़ी हद तक उसने हेल्प की, जो कोई आम आदमी नहीं करता है। तो मैं कहूँगा कि निस्वार्थ भावना से उसने मदद की, तो वो है, जो भावना उसने दिखाई उसने है भगवान। इसे और एक तरीके से समझिएगा कि आप में से बहुत से लोग नास्तिक होंगे, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। नास्तिकों का एक विचार है कि भगवान आकाश में है या कहीं ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। नास्तिक भी अपने आप में एक प्रेम की भावना दिखाते हैं, जो भगवान की क्वालिटी है। अभी नास्तिक जो है अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे, या यूँ कहे कि उसने, लेट्स से एक नास्तिक है, उसने गार्डन बनाया हो, मतलब उसने बहुत सारे पेड़ पौधे उगाया हो। अब यदि बारिश की कमी से या किसी भी कारणवश वो पेड़ पौधे मुरझा जाए, तो उसे कितना दुख होगा। तो वो जो भावना वो व्यक्त कर रहा है वो पेड़ पौधे के प्रति, कि उसने इतना टाइम स्पेंड किया, उसके प्रति अटैचमेंट हुआ, उसके प्रति जो भावना है, वो एक नास्तिक होकर भी वो जो प्रेम की भावना व्यक्त कर रहा है नेचर के प्रति, तो वो है भगवान।
मैं ऐसा कहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि भगवान सिर्फ आकाश में है। इस पे मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो अपने पुरखों से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम, उन्होंने हर चीज़ में इन्वॉल्व होके अपनी लाइफ जी, वैसा ही जीना चाहिए। पर हालांकि अगर कोई नास्तिक भी हो, वो किसी चीज़ में अपना दया या प्रेम या फॉरगिवनेस इन द सेंस कि कोई बोलता है कि इतना बड़ा उसका दिल है, कितना सब कुछ सहन करके भी उसने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, तो ये है भगवान की क्वालिटी जो वो एक्सप्रेस कर रहा है। उस क्वालिटी में भगवान, ये आप कभी भी ऑब्ज़र्व करिएगा कि ये जो क्वालिटी है हर कोई कभी भी मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे कि अब मैंने मॉनसून का एग्ज़ाम्पल दिया कि बहुत सारे लोग अनजान थे, फिर भी उन्होंने अपने घर के द्वार खोल दिए, उन्होंने मदद की, उन्होंने खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ उन्हें पिलाया। तो ये जो भावना है ये है भगवान। तो ऐसा होता है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि भगवान ऊपर ही है। और मैं एक बात कहूँगा कि भगवान को रियलाइज़ या अनुभव करने के लिए मन का निर्मल या ईगोलेस या यूँ कहे कि वो विनम्र होना चाहिए। आज के जितने भी नास्तिक है वो कहते कि मैं भगवान में मानता नहीं हूँ। कैसे मानेगा कि जब तक उसका माइंड और उसका हार्ट शांत ही नहीं है, वो हर चीज़ में घुसा पड़ा है। अभी आप ऋषि मुनियों को देखिएगा कि वो निस्वार्थ होके हर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो है भगवान की क्वालिटी। तो ऐसे होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान हर जगह है, कण कण में विद्यमान है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण हर कण कण में विद्यमान है। बस इतना है कि आपको अपना मन और अपना हृदय निर्मल रखना है, या यूँ कहे कि हम्बल विनम्र रखना है, किसी भी विकार किसी भी विचार से मुक्त होके यदि वो भगवान के प्रति भक्ति या श्रद्धा दिखा रहा है तो भगवान उनकी सुनते हैं और भगवान उन्हीं की मदद करते हैं और उन्हें ही वो एहसास दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। वैसे नास्तिक जैसे लोगों में कभी अपना कुछ भी अस्तित्व या रियलाइजेशन कभी नहीं दिखा पाएंगे। तो ये क्वालिटीज़ यदि आप किसी में देखते हैं कि वो क्षमाशील है या दयावान हो या प्रेम कर रहा हो निस्वार्थ होके, या यूँ कहे कि वो निस्वार्थ होके समाज की मदद कर रहा है अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में, तो ऐसे व्यक्ति मैं कहूँगा कि उसमें भगवान ने अपने गुण या क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करना चालू कर दिए हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि आप में से बहुत से लोग इनको ये काल्पनिक या बहुत डिफ़िकल्ट बातें लग रही होंगी, लेकिन यदि आप इस पर गौर से सोच करें तो मैं एक ही कहूँगा कि ये जो संसार है प्रेम के बंधन में ही जी रहा है। यदि प्रेम ना हो तो संसार उजड़ जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा, यदि उस वक्त मानसून में कोई भी अपने अनजान या लोगों के प्रति हेल्प या प्रेम नहीं दिखाता तो वो वही का वही मर जाता। तो ऐसा ही है। और एक बात कहूँ, जो आप सूर्य देखते हैं या नदी कहते हैं उसमें लाइफ होता है। आप कभी भी अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि जो सूर्य है उसके बगैर आप कभी भी जी सकते हो, या यूँ कहे कि आप नदी का जो पानी है उसके बगैर जी सकते हो? कोई नहीं जी सकता। पूरे वर्ल्ड में 90%
समुंदर का पानी है और नदी का पानी सिर्फ 10% पानी है। और यदि पूरे संसार में नदी का पानी ख़त्म हो जाए तो मैं आपको 200% लिख के दूंगा पानी के लिए World War III चालू हो जाएगा। तो ये जो लाइफ है जिसका महत्व आपने कभी समझा नहीं, या जो पेड़ है जो ऑक्सीजन दे रहा है आपको हर बात पे, हर सेकंड में, ये लाइफ और जो पानी है उसमें भगवान है, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते हो। मेरे कहने का उद्देश्य यही था कि भगवान ऊपर नहीं है, हम में से सभी भगवान के क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेम, लव, फॉरगिवनेस, क्षमाशील या कंपैशन, दयावान। तो आई होप मैंने अधिकतर पॉइंट्स क्लियर किए होंगे भगवान के अस्तित्व को लेके। यदि आप में से किसी में भी डाउट हो भगवान को लेके तो आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उचित समय देख के उस वीडियो या उस कमेंट पे अपना आंसर दूंगा। आप सभी खुश रहिए, कोरोना का काल है, आप संभल कर रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, खुद भी स्वास्थ्य मेंटेन रखिए। मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर है एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड और एक ज़रूरी बात, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है श्री कृष्णा, और वीडियो के नीचे आप चैनल का नाम देखिएगा, उसके राइट हैंड साइड में आप सब्सक्राइब ऑप्शन देखिएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, और एक बेल आइकॉन सब्सक्राइब के बाजू में ही होता है, उस पर यदि आप क्लिक करें तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पता चलेगा। तो सब खुश रहिए, मज़े से रहिए, सबको खुश रखिए, प्रेम से रहिए, भगवान में आस्था रखिए।